A good day of hunting, my dear. Yes, it was, rather. Do you believe it? It's amazing. Who's the artist? What? This chit of a girl? I want to have this little package on our mantelpiece. Edward. Yes, sir. तेरी बेटी का गाना सुनकर कुछ इनाम दे रही है रख ले लोगी मेहरबानी आपकी मेहरबानी हुजूर तेरी बेटी के गीत के नहीं थे उसी को खरीद के ले जा रहे हैं Manufactured in an English factory using English metals. It crossed the seven seas in an English vessel. By the time it reached the barrel of your gun, it cost £1. £1 sterling. And you would want to squander it on brown rubbish. Clear the road.
mob. I was scared out of my wits, sir. He scares me more. On the occasion of the annual special officers' ceremony, only three have been deemed worthy out of 75 candidates for their exceptional contribution. They are Philip Anderson, Charles Langford, Frank Poole. As for the rest of you, better luck next year. Disperse. Namaste. He is Mr. Venkat Avadhani, special advisor to the Nizam. Governor Scott India mein nahi hai. Aap apni baat Edward sir se keh sakte hain. Haal hi mein jab Scott sir apne parivar ke saath Adilabad aaye the, to ek choti bachchi ko le aaye. Usi ke bare mein baat karne ke liye Nawab sahab ne bheja hai mujhe. Aap use uske ghar bhej dete to acha hota. हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का यही मानना है और नवाब साहब का. ऐसा क्यों? वो दरअसल गोंडों की बच्ची है सर. तो उनके सर पे सिंह होते हैं क्या? ना ना, भोले लोग हैं. हर जुल्मी भी खामोश सहलेंगे. पर उनकी एक खास बात है, वो भेड़ की तरह झुंड में रहना पसंद करते हैं. और अगर उनका एक भी मेमना खो जाए तो पागल हो जाते हैं. और इसीलिए उनका एक गडरिया होता है, दिलो जान से उनकी हिफाजत करता है. Sir, this tribe is going to shoot down the mighty British Empire with his bow and arrows. तो अब ये गडरिया तीर चलाएगा हम पे. मुझे गलत मत समझिए, मैं सिर्फ उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ये आदमी किसी भी हद तक जा सकता है और कुछ भी कर सकता है इस लड़की के खातिर. पर्वत, जंगल, शहर, पेड़, नदी, खाई, वो हर जगह ढूंढ कर रहेगा. और चाहे वो मेमना शेर के मुंह में ही क्यों ना हुआ, जरूरत पड़ी तो उस शेर का जबड़ा तोड़कर भी उस मेमने को बचा कर रहेगा. सुनने में आया है कि अब ये शिकार करने दिल्ली पहुंच चुका है.
खिंचा दिया है। अन्ना को बताओ। अपने मतलब के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूं, माफ करना भाई। 6 महीने से दिल्ली का कोना कोना तलाश रहे हैं, मल्ली को छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश कर ली, लेकिन मल्ली जिंदा तो होगी ना बताया। Thank you.
हो गए थे। सारा काम रुका पड़ा है। आओ सिर झुकाकर अंदर जाना है और बाहर आकर ही उतरना।
अपना काम करो और निकल जाओ। आईडी बताओ। You. ID. Oh, yes, sir. He's forgotten his ID, ma'am. That doesn't give you the right to treat him like an animal. Sorry, ma'am. लगता है उस लड़की में हमदर्दी है बेटिया। अगर हमें हवेली के अंदर जाना है तो फिर ये लड़की एक जरिया हो सकती है। और जा हमारे अधिकार तार जो ने भीख के चाहिए हमें का और जो हमारा हक है उसकी हम भीख क्यों मांगे। प्रतिटी शिशुर मोने जालिए दाओ विप्लवेर मोशा। इनकलाब की सोच बच्चे बच्चे के अंदर फूंक दो। एक मिनट, ये तो हाथ घुमा के नाक पकड़ना हो गया। वहां वार करो जहां गहरी चोट लगे। स्कॉट को मार देते हैं। अरे क्यों स्कॉट क्यों, किंग जॉर्ज को ही क्यों ना मार डाले। तुम सच कह रहे हो, स्कॉट को मारना मुमकिन है क्या? मुमकिन क्यों नहीं? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लच्छू। स्कॉट ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं। हम अपने भाई के साथ आए हैं यहाँ। क्या आप हमारी मदद करेंगे? जरूर करेंगे। भाई किधर है? मैं आपको ले जाता हूँ। आओ आओ भाई। समझ नहीं आ रहा था किससे मदद मांगे। आप तो भगवान के रूप हो। I'm an officer on duty. Do a casual check and let us pass through. I do. Thank you.
छोटू इधर आ। Thank you.
नमस्ते आदाब मेरी अम्मी जान भाई माँ जी नमस्ते ये खा भाई कितनी बार कहा है बाएं हाथ से मत खाया करो उसको क्या दाया भाई अम्मी क्या भाई कुछ नहीं कुछ याद आ गया चांदनी चौक इतने में इसका हो जाएगा क्या राजू नजर मत लगाओ चाचा क्यों अख्तर खूबसूरत है क्या खूबसूरत तो है भाई अरे तो बात करना बात तो करना चाहता हूँ भाई लेकिन करूँ कैसे अरे गुरु लड़की से बात करने के लिए रास्ता ढूंढते नहीं खुद बनाते हैं तू मोटरसाइकिल चला मैं तेरा रास्ता बनाता हूँ
रुकेगी। तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा होगा भाई? सड़क पर खील फेंके थे ना, पैर पंचर हो गया। अरे बाप रे, तुम कितने चालाक हो भाई। अब मैं इसका पंचर ठीक कर दूंगा तो वो शुक्रिया बोलेगी और फिर हम बात कर लेंगे, यही है ना? Excuse me, could you help? My tires have gone flat. जी मैम साहब, मेरी दुकान पास में ही है, पांच मिनट में ठीक कर दूंगा। He means it'll take at least 5 hours. Is there a bus stop or a tram station nearby? पूछ रही है आसपास कोई बस स्टॉप या ट्रेन स्टेशन? हाँ, बिल्कुल पास में है। मैं उंडेला। Perhaps you can ask him for a ride. Oh, are you going that way? पूछ रही है उस तरफ जा रहा है, उसको लिफ्ट देना। नहीं नहीं, अब हाँ बोल। हाँ हाँ। Oh, yes. Yes. Wonderful. Let me get my things. To the market, please. Market. Thank you. ये बहुत छोटे हैं मिम साहब, आपका घर बहुत बड़ा है। आपकी हवेली घर बहुत बड़ा है। Oh, you mean our house is big? It is, but not really beautiful. You know, not like a real home. एक बार देखना था मैम साहब, मैं उधर आ सकता हूँ क्या? I'm sorry, I can't understand what you're saying. आपका नाम क्या है मैम साहब? Sorry? मतलब आपका नाम? Oh, you mean my name? आपका नाम क्या है मैम साहब? Oh, don't call me मैम साहब. It's just Jenny. Yes? बाप रे, इतना बड़ा नाम. छोटा नाम भी होगा ना मैम साहब? Don't call me मैम साहब. It's just Jenny. Yes? अरे ये आपके मतलब का नहीं है, बच्चों का है। it's not for me. There is a small girl staying with us. Mally. This is for her. How much does that cost? उसके साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। Hello, Mally.
Look what I bought for you. Do you like it? What about a toy elephant? A bangle? पसंद नहीं करती तो क्या तेरे मोटरसाइकिल पे बैठती? वो क्या जानू, आगे क्या करना है बताओ ना। ठीक है, उसका नाम क्या है? अरे बहुत बड़ा नाम है भाई, पर मैंने याद कर लिया। दो कामी मेसा पिट्टी सी जेनियस। दो कामी मेसा पिट्टी सी जेनियस। ये पूरा उसका नाम नहीं है। कह रही थी मुझे मेम साहब मत बुलाओ, सिर्फ जेनी कहो। जेनी लंबा नहीं है। अच्छा और क्या बात हुई बताओ? जम के बात की भाई, पर जाते जाते वो पार्टी कम ऐसा बोल रही थी। हाँ पार्टी पर बुलाया, वो भी पहली मुलाकात में। कब कहा ये दिया उसने, देखो February 14th। अरे ये तो आज है अभी। यारे दूसरा बंद कर, चल निकल अभी। अकेले तुम भी साथ चलो ना भाई। ठीक है आता हूँ। चलो फिर। क्या ऐसे? About art, about finesse, about dance.
tango. Disgusting, this is filth. Chinny, chinny, chinny. Chinny, chinny, chinny.
सौ पॉइंट वजन है तेरा, कब तक दोता मैं मर जाऊंगा भाई, हाथ जोड़ता हूँ, अब मेरे टांगे निकल जाएंगे। और थोड़ी दूर लेके चलो ना, बहुत दर्द हो रहा है, इतना कूदा क्यों? पता नहीं भाई, जब तुमने सामने से चुनौती दी ना तो अंदर से एक जोश आ गया। Are you hurt? What has happened? Is he all right? He's got a bad cramp. Can you drop him at New Bazaar? Of course. Ja. Would you like to come to my place for a coffee before I drop you home? पूछ रही है कॉफी पीने घर आओगे? I would offer to drop you too, but it's only too soon. No problem. I'm waiting for a friend. Robert, he is not a servant. He is my friend. Let him go. As you wish, ma'am. That was appalling behavior. I apologize. I'm so sorry. Koi baat nahi. You're fine, right? Okay. Let's forget about him. I was really looking forward to this. I have so much I want to show you. Please, come sit down. This is my room. And these are my paintings. What do you think? Please, sit down. Your dance at the party took my breath away. It was amazing. Shukriya, Mirza. Jenny. Shukriya, Jenny. It was overwhelming. The beat pulsating through your body, the flying feet, the flashing eyes. The eyes. Actor. Your deep, expressive eyes always seem like they're searching for something. Jenny, put some Johnny.
खाने के लिए अगर कुछ जैसे अंग्रेजों के तलवे चढ़ने वालों के हाथ नहीं लगेगा मेरा भाई। जंगल का शेर है वो, हमेशा आजाद रहेगा।
बेटा सीता। राम की कोई खबर आई क्या बेटा? नहीं काका। उसने कोई चिट्ठी भी नहीं लिखी? ये क्या है, 4 साल हो गए उसे के, कब तक राह देखे? क्या हम उसे याद भी है? ये गांव, ये धरती, उसका दिया वादा, कुछ याद है उसे? वो सब छोड़ो, कम से कम तुम्हें याद करता है। जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा, तुम रोज इसी तरह मुझसे मिलते रहोगे। बोलो, भाई किधर है? के पास भी नहीं है, तो 1 घंटे के अंदर मर जाएगा।
जहर चढ़ गया लगता है। बेटा रक्षा मौर्य उतारे खुशदेव की रक्षा मौर्य मत उतारो ना, इसके बिना तो तुम खतरे में पड़ सकते हो। भाई तो ठीक होगा ना?
से बगावत करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट करता हूं। अन्ना तुम पुलिस वाले हो, सच में तुम पुलिस अफसर हो क्या? मैं मान नहीं सकता। हाथ दो अख्तर। मां कसम,
मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तुमसे अपना दर्द बांटा था ना अन्ना, अन्ना मेरी कोई गलती नहीं है अन्ना, अन्ना एक बार मेरी आंखों में देखो अन्ना, एक बार मेरी तरफ देखो, मेरी कोई गलती नहीं है अन्ना। हम यहाँ अपनी बहन के लिए आए हैं, वो एक छोटी बच्ची है, छोटे बच्चे है अन्ना, मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा अन्ना, मेरी बहन को ले जाने दो, मुझे मल्ली को ले जाने दो। मैं तुम्हारा नहीं बोलूंगा अख्तर, चलो मेरे साथ, सरेंडर कर दो। ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम, हाथ दो। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तुम और ऐसे। अन्ना तुम हम में से एक हो, तुम हम में से एक हो ना अन्ना। Ah!
हार मान लो भीम, मल्ली नहीं बचेगी वरना। पूरी होनी चाहिए। ठीक है बाबा। लोड लोड बाबा, ये तो सिर्फ हमारे अभ्यास के लिए ही थे ना, हमें आदत पड़ गई है। अब खून मचल रहा है असली गोली चलाने के लिए बाबा। राइफल कब दोगे? गोली की कीमत जानते हो? कहते हैं बाजार में 15 रुपए की मिलती है, लेकिन एक बार एक गोरे ने मुझे समझाया था कि इसका असली मोल कैसे करते हैं। बालकुर्ती गांव वालों, सरकार की तरफ से फरमान है, पिछले कई सालों से बाढ़ का बहाना करके आपका ये गांव लगान नहीं भर रहा। जब एक अंग्रेज अफसर यहां पर पूछताछ करने आए थे, तब इस गांव के सरपंच बल्ला रेड्डी ने उनसे बदतमीजी और हाथापाई की। यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ा गुनाह है और राजद्रोह की सजा सजाए मौत है। सोल्जर,
understand how valuable the bullet in your gun is. It was manufactured by an Englishman, at full pay. It made its way here, on an English ship. By the time that single bullet has made its way to the barrel of your gun, it has cost the crown 6 shillings. You don't waste it on peasant stock. Find another way, soldier. Yes, sir. उसने कहा एक गोली की कीमत हम देशियों की जान से कहीं ज्यादा है तो फिर ये गोली अपना मूल्य कैसे कमाएगी तुम्हारी बंदूक से निकलकर जब ये सीधा किसी अंग्रेज की छाती को छलनी करेगी उसके दिल से टकराएगी और ये आम गलती गोली उसके खून में नहाएगी तब और इस दाग का नाम आजादी मैं तुम्हें गोलियां तब दूंगा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम चूकोगे नहीं तब तक मेहनत करते रहो कितनी बार कहा है बाएं हाथ से मत खाया कर जल्दी हो जाएगा ना नाम चाचा चाचा मामा हो वेंकटेश्वर क्या सीता तू हमेशा यही पड़ी रहती है कभी घर जाती है राम जहाँ होगा मैं वही मिलूंगी ये बहू बनेगी या नहीं पता नहीं पर बेटी तो अभी से है तुम यहाँ अपनी फौज खड़ी कर रहे हो और मुझे वहां भेज दिया है पुलिस में मुझे तुम लोगों के साथ रहना है बाबा नहीं तुम्हारा उधर रहना जरूरी है हमें वहां की खबर चाहिए ठीक है पर हम जीतेंगे कैसे ट्रेनिंग के बाद हमें हथियार चाहिए तुम्हारे पास एक राइफल है और कुछ गोलियां कितनों में बांटोगे हर गोली में मरने वाले का नाम लिखा है और हर बंदूक पे चलाने वाले का आगे वेंकटेश्वर लो अपनी जान ढूंढते हुए हथियार खुद ब खुद आएंगे राइफल को ठीक से कंधे पर टिकाओ क्या हुआ डाल ये क्या है मैंने कल रात आपकी रेफरल चलाई थी बाबा खिलौना समझ रखा है खिलौना है मैंने दी थी बाबा मैंने दी थी सीता मैंने दी थी लेकिन राम चलाता बहुत अच्छा है आइए दिखाती हूँ आइए ना वो देखिए राम उन पत्थरों से गोली दागी थी नहीं बाबा फिर वहां से बाबा
हथियार तैयार हो गया है वेंकटेश्वर लू। हमारा बेटा Lord.
लूट। बाबा, छोटू बाबा। लूट। प्यारी सीता, कैसे हो? यहाँ सब हिसाब से चल रहा है। मैं जिन बैरक्स में काम करता हूँ, अंग्रेज वहाँ से देश के हर कोने में हथियार भेजते हैं, और हर चालान के साथ हिफाजत के लिए एक अफसर होता है। मुझे ये मौका जल्दी मिलेगा और फिर हथियार हमारे हाथ लग जाएंगे। पर मेरा दिल भारी क्यों है सीता? मैं जिनकी आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, उन्हीं को चोट पहुँचा रहा हूँ। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया है। क्या इस कीमत पर मंजिल पाना ठीक है? मैं नहीं जानता। तुम तो मेरे साथ हो ना। तुम्हारा राम। One bastard did this. All of you to do nothing. Shame on you, Edward. Shame on you. I appreciate you, young man. Your service to the crown has been duly noted. Thank you, sir. I want this bastard punished in such a way that no person will ever rise up against the British. Oh, I want to watch it, darling. I want to see him bleed. And so you shall. Flog him publicly. Flog him till he falls to his knees, confessing his crime of daring to rise against us. And begs for mercy. So. Thank you.
अब ये मुजरिम घुटनों के बल गिरकर दिस क्रिमिनल विल नाउ ड्रॉप टू हिज नीज अपने गुनाह कबूल करेगा कन्फेस टू हिज क्राइम्स अगेंस्ट द क्राउन और गवर्नर साहब से तहे दिल से माफी मांगेगा एंड विल बेग द गवर्नर फॉर मर्सी नहीं तो इसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी इफ ही फेल्स टू डू सो ही विल बी पनिश्ड सीवियरली घुटने टेक दो घुटने टेक दो भीम on the pillar first, officer. Let the wretch see how it will rip him. Aren't you quite vicious, my dear? Yes, sir, rukne wali nahi hai, Bhim. करोगे तो मारे जाओगे घुटने टेक कर जुर्म कबूल करो और अपनी जान बचा लो धरती ने तुझे जना है जिस हरियाली से सांस मिलती है
पहचान देने वाली गोंड जाति दिल से तुझे पुकार रही है, सुन रहा है क्या? कुमुरम भी मुड़ो, कुमुरम भी मुड़ो, सूरज के शोलों से मिलना है तुझको, मिलना है तुझको। कुमुरम भी मुड़ो, कुमुरम भी मुड़ो, रग रग की ज्वाला सा जलना है तुझको, जलना है तुझको। चला रहा हाँ, शाखों से टूटा तू पत्ता नहीं वो, पत्ता नहीं वो। जुल्मी की चौखट को घर जो कहा हाँ, फिर ये जन्म तेरा सच्चा नहीं हो, सच्चा
राजू, इस बार बंदूकों के कंसाइनमेंट की डिलीवरी के लिए तुम्हें चुना गया है। ये देखो, आज से दो दिन में निकलने वाली है। वादा करो राम, हर हाथ में हथियार होगा। परसों सुबह भीम की फांसी है, मुझे फांसी की जगह जेल से बदलकर यमुना किनारे करनी होगी। ये क्या कह रहे हो, फांसी की जगह क्यों बदलनी है? क्योंकि तभी मैं उसे छुड़वा पाऊंगा। राजू, भीम को छुड़वाने की बात कहां से आ गई? मुझे मल्ली को भी छुड़वा कर भीम को सौंपना होगा। भीम, मल्ली, ये सब, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे जिंदगी में पहली बार सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। मैं सोचता था देश के लिए कोई भी या फिर किसी की भी कुर्बानी जायज है। सोचा कि भीम भी उन्हीं में से एक होगा और पकड़वा दिया। पर मुझे आज समझ में आया, भीम कोई आहुति नहीं, वो खुद ज्वालामुखी है जो क्रांति में बंदूकों के जोर पे लाना चाहता था। वो भीम के एक गीत ने ला दी। पर तुम्हारा क्या, तुम आग पर चलकर यहाँ तक आए हो, अब हाथ आई मंजिल को इस मुकाम पर लाकर ऐसे ही जाने दोगे? 15 साल की मेहनत को 15 साल और झेल लूंगा, लेकिन मैं भीम की कुर्बानी हरगिज नहीं दूंगा। याद है, बाबा चाहते थे हर हाथ में हथियार हो, पर भीम के जज्बे ने हर एक आदमी को हथियार बना दिया। मैं वो जज्बा लोगों तक पहुंचाऊंगा। सोच लो बेटा राजू, बहुत खतरा है, जान गवा दोगे। खुशी खुशी गवा दूंगा चाचा। की बेरहम मार से भी नहीं डरा, वो मौत से क्या डरेगा सर? Yes. And what was blatantly obvious was your abject failure at bringing this brute to his knees. I'm sorry, sir. मैं कामयाब नहीं हो पाया। मुझे एक और मौका दीजिए। वो यहाँ जिस लड़की को बचाने के लिए आया था, उसी मल्ली के सामने इसको फांसी लगाते हैं सर। फिर सारे जहाँ की दहशत इसकी आंखों में नजर आएगी। I see you've learned the ways of the Empire, young man. Keep the flag flying. Yes, sir. Have him ready for hanging by 4 a.m. and get that wretched child here by 5. If I may, sir. Yes. अगर उसको यहाँ फांसी दी तो लोग उसकी मजार बनाकर इबादत करने लग जाएंगे। बाहर ले जाते हैं यमुना के तट पर, वहीं से उसकी लाश पानी में बहा देंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। Officers, I want no hiccups on this mission. Yes, sir.
arrangements have been made, sir. Should be quite the spectacle. I appreciate your effort, my boy. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.
चलता हूं। तुम्हारे बिना मैं कभी सीता, मेरा एक हिस्सा तो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। सीता, मेरी अपनी हिम्मत मेरी ताकत है, पर तुम्हारी हिम्मत मेरी जीत होगी। काका, भैया, चाचा, मैं आप सबसे वादा करता हूं, इस गांव के हर एक क्रांतिकारी के लिए मैं हथियार हासिल करके रहूंगा। उसी के बाद मैं वापस यहां कदम रखूंगा। मां गोदावरी की कसम। Jungle rat beam still proving elusive. We are very close, sir. Now, from the hanging point, his only means of escape is to Agra, and we are sealing it off. We are combing it area by area, inch by inch, and then shutting it down. The only place he could possibly be hiding now is Hathras. Keep at it. Meanwhile, let's pay our special guest a visit, shall we? As you ordered, we are feeding him only once a week, sir. Just enough to keep him alive, feel the pain. Well, like these filth. Don't know so much worse than that. He'll be so starving, he'll be gnawing at his chains. Exercising. With only days to live. What do you hope to achieve? Still chasing your impossible dream, even with death staring you in the face. Karmanye vadhika raste ma paleshu kadachana ma karma phalahe durbhu ma te sankostva karmani. मुझे अपने अंजाम से फर्क नहीं पड़ता जनाब, जब तक मेरी नसों में खून का एक कतरा भी बाकी है, मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहूंगा। लॉर्ड, एम, शूट। इज दैट सो? लेट्स सी हाउ यू मूव आफ्टर दिस।
मैंने आप लोगों की बातें सुनी। बच्चों को कभी भी भूखा नहीं सोना चाहिए, अनाज नाराज हो जाता है। बहुत बहुत मेहरबानी, तुम हमें जानती भी नहीं फिर भी इतनी मदद कर रही हो। कौन हो तुम? मेरा नाम सीता, मैं विशाखापट्टनम से अपनी मंगेतर के लिए आई हूँ। अच्छा, और वो कहाँ है? दिल्ली, ब्रिटिश के लिए पुलिस इंस्पेक्टर का काम करती है। भाभी का नाम सीता। ओहो, घबराइए नहीं, वो वहां जो कर रही है वो नौकरी नहीं। वो संग्राम है। Shut up.
अपनी मंजिल को पाने के लिए तुम्हें रास्ते का सैर पीना होगा। बस अपनी मंजिल हमेशा याद रखना।
सीता से फिर मिलवाने का वादा किया है मैंने, चाहे इन गोरों के लंका ही क्यों ना चलानी पड़ जाए मुझे। आओ thank you.
What's going on, Edward? We arrived a bit late, sir. They escaped into the forest. They've done what? But they're still in the barracks. Don't follow them blindly. Take the special forces and nail the bastards. Owen, one more thing. Don't shoot until you're close enough to confirm a kill. Absolutely, sir. Call the special forces. Thank you.
भीम, इन तुच्छ राक्षसों को छोड़ महासुर का संहार करना है। आ इंग्लिश फैक्ट्री में बनी सात समुंदर पार करके अंग्रेजी जहाज में आई है ना ये बुलेट स्कॉट, एक देसी की जान से कहीं ज्यादा कीमती बुलेट। इसे बैंक कैसे सकते हो तुम? लौटा दो भीम, वो दिल में सजा कर रखेगा। लॉर्ड
कर दिखाया तूने। भीमा, इस सपने को जान दी, लड़ने के लिए नया रूप दिया तूने। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? शिक्षा दो ना। जिस पे उम्र मिटे लहरों को छंटा, हर गली घर में है लोहे का बंटा। जिस पे उम्र मिटे लहरों को छंटा, हर गली घर में है लोहे का बंटा। छंटा लोहा लाठी टूटी चीता योद्धा दूधा शोले उजले शोले उजलते शोले सिकरा Bur 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 bur